का ठीक ठाक। आप सुनाए अलहमदुल्ला ठीक ठाक। बस यार यार, बड़ी ये लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का भी चक्कर है अंदर। हाँ वो अभी भी वैसे ही है। हाँ, मैंने अब ये इसको पोर्ट्रेट पे किया होगा, अच्छा ठीक हो लेकिन पिक्चर्स ना ऊपर नीचे आ रही हैं। हाँ ये लेफ्ट राइट होनी चाहिए वैसे। लेफ्ट राइट होनी चाहिए ये, क्योंकि जब आप इसको लगाएंगे ना किसी YouTube के ऊपर या इधर उधर, तो वो स्क्रीन छोटी ही हो जाएगी ये। छोटी है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, इसका तो ये कहाँ से होगा ये? यार ये तो मैं भी देखना पड़ेगा उसकी सेटिंग कहाँ है। अच्छा मेरी आवाज ना मुझे भी आ रही है लेकिन नहीं, मुझे मेरी नहीं आ रही। मुझे मेरी आ रही है। अच्छा और इसका तो अच्छा भाई कैसे हैं आप? एक शुक्र है अल्लाह का, बेहतरीन है, अपन मजे में। चाय मत बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया अपनी लाइव सेशन में। हाँ अब आपको मेरी आवाज आ रही है, जी लेकिन अब आपकी गायब हो गई है आवाज। मेरी भाई अब आ कहाँ रही है ठीक आपकी जाती है? है। अब नहीं आ रही मेरी जो रिवर्स आती थी ना वो नहीं आ रही। ठीक हो गया। ठीक है, और सुनाए, मौसम की सुनाए। अच्छा, मौसम ठीक है आज बड़ी तेज हवा चल रही इधर तो अच्छी खासी 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है हवा लेकिन काफी टफ है लेकिन मौसम अच्छा है आज। टेम्परेचर सही। टेम्परेचर नॉर्मल कितना? टेम्परेचर अभी 10 चल रहा है आज ठीक है नॉर्मल है। सही, उससे ज्यादा सर्दी तो हमारे इधर है, फिर हमारे हमारे ही है। सर्दियां लेकिन इस तरह की नहीं जिस तरह की आपके पाकिस्तान में है जैसे वो अंदर तक हड्डियों को महसूस होना लगती है। यहाँ पे ऐसी ठंड नहीं है। वैसे ये बड़ी हैरत की बात है कि जर्मनी के अंदर तो ये टेम्परेचर चला जाता है माइनस में। पता नहीं अब क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से, अब जिन मुल्कों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी उधर सर्दी हो गई है, और ठंडे जो मुल्क हैं उधर गर्मी हो गई है। हो सकता है क्लाइमेट चेंजिंग आ रही है लेकिन एक जो खबर भी चल रही थी कि यूके के अंदर ना हिस्ट्री में पहली दफा गर्मियों में लोगों को एसी खरीदने पड़ गए थे, उधर इतनी गर्मी पड़ी थी। वो भी गर्मी कितनी होती है ये 25 to 30 के अराउंड होती है गर्मी। 36 तक टेम्परेचर गया था उधर, और हाँ आपको पता है घोड़ों को तो आदत ही नहीं होती इतने टेम्परेचर की, वो सड़ गए सन उनजी। हमने तो 50 50 देखे हुए यार बस। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है हमारे लिए, जो 35 36 ये तो बाहर का मौसम होता है। हाँ, वहां बाहर गए नॉर्मल है बिल्कुल नॉर्मल है। तो बाकी जो है बताएं आप फिर क्या जर्मनी सूरत हाल है जर्मनी की? की अभी महंगाई थोड़ी सी बढ़ रही है कुछ उन्होंने बैठ अच्छा, रेट बढ़ाया 7% से 14% कर दी है। खाना पीना ये वो जो आप करेंगे उसमें महंगाई की है इन्होंने। तो बाकी क्राइसिस तो आ रहे हैं इनके अभी इसको कवर करेंगे जैसे वो रशिया और उसकी जो यूक्रेन की वजह से उसने पाइपलाइन जो ऑयल की है वो बंद की है इस तरह गैस बंद की है तो वो काफी चीजें महंगी हुई है पिछले साल की नस्बत। रशिया ने अगर ये आपका गैस की टूटी अगर बंद कर दी है, तो आप यूरोप गैस कहां से ले रहा है? अब ये पता नहीं कहां से ले रहा है लेकिन यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है। मैंने तो सुना था कि उधर लोग, मतलब ऐसी जगहें भी यूरोप के अंदर हैं जहां पे लोग सिलेंडर यूज कर रहे हैं अब। नहीं मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैं जब से आया हूँ ना मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था मैं यार हमारे यहाँ लाइट जाने का बहुत रिवाज है कि हर घंटे बाद यहाँ कोई पता नहीं चली जाती है। हालांकि ये इनके ये रशिया से ऑयल बंद कर दिया है लेकिन इन्होंने बैरल में खरीदना शुरू किया लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं गई। इलेक्ट्रिक ऑन चल अच्छा, रहे हैं इलेक्ट्रिक का आपकी वो कैटल है सारी चीजें इलेक्ट्रिक चल रही हैं। गैस तो बहुत कम है तो लेकिन जाती नहीं है यहाँ पे फैसिलिटी है इस वाले से। वो तो देखिए ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड है ना, वो इसी चीज का तो नाम है कि वो किसी एक बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते ये। ऐसे ही है हाँ, यूरोप क्या इतना पागल थोड़ी है कि उसको ये ना पता हो कि
रशिया काल को अगर मेरी गैस बंद कर दे या कुछ बंद कर दे बिल्कुल तो मेरे पास ऑल्टरनेट क्या होगा? उसने ऑल्टरनेट अपने पहले ढूंढ के रखे होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं अब आप। ये लोग, अब जो तेल है ये अब जो गल्फ है इधर से सारा ले रहे हैं ये। इधर से ले रहे हैं, इधर से ऐसे ही है। बाकी जो गैस का सोर्स है वो इनका मेन सोर्स रशिया ही है। वहां नजदीक पड़ता है इनको तो सही रहती है। और यूनिवर्सिटीज के क्या हालात जा रहे हैं जी? यूनिवर्सिटी ठीक है, अभी आजकल एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, कुछ डिपार्टमेंट के हो गए हैं, मेरे मार्च में स्टार्ट होंगे एग्जाम, तो कुछ की असाइनमेंट चल रही है, कुछ स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन चल रही है, तो ये लास्ट वीक था यूनिवर्सिटी का, तो क्लासिक वाइंड अप हो गई है, अब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा इंशाल्लाह अप्रैल में, अप्रैल या मई में स्टार्ट होगा। सही। अच्छा, आप ये जो ब्रेमन में, आप तो इसका जो बर्लिन, बर्लिन कैपिटल है ना जर्मनी का, कैपिटल ये है, कितना डिस्टेंस है? सॉरी डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस कितना है? पांच मेरे से क्या, बर्लिन 5-6 घंटे का रास्ता है, से 6 घंटे का? सही, 5 से 6 घंटे। मतलब 1,000-1,200 किलोमीटर है, हाँ इतना है, 700-800 किलोमीटर है 700-800 किलोमीटर। सही जी। सही। तो यार ये ब्रेमन, वैसे तो ये सारा जर्मनी बेसिकली पहाड़ों के ऊपर ही है ये, तो जो ब्रेमन है इधर रोड्स वगैरह कैसे हैं? जिस तरह रोड है हम यहाँ एरियाज पे, में होते हैं वैसे ही कहीं हैं ऊपर नीचे ढलवानों वाले? नहीं यहाँ पे जरा स्मूथ है, बिल्कुल फ्लैट है सही सारे, कुछ जगह पे आती है वो जो चढ़ाई आती है लेकिन इतनी नहीं है, बिल्कुल सारे प्लेन है। सही सही। अच्छा, हमें ना जरा जो व्यूवर्स हैं इनको जरा, जो इधर स्टूडेंट्स हैं जी पाकिस्तानी, जी इन्होंने अब अगर जर्मन किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो जी जी इसका जरा बिल्कुल इनिशियल स्टेज से जरा इसके स्टेप्स जरा बताएं। अगर आपने बैचलर में लेना है या मास्टर में लेना तो यहाँ जर्मनी की वेबसाइट है .de के नाम से, तो ठीक आप है, गूगल पे जाके .de सर लिखें, सर्च करें, तो वहां पे इनकी जो लैंग्वेज है जर्मन भी है और इंग्लिश भी है, आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें उसको, लैंग्वेज है। उसके बाद अपने कोर्स के रिलेटेड जो भी आपने, जैसे कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड सर्च आउट करना है, या मैकेनिकल है या कंप्यूटर साइंस है, तो आप सर्च बार में अपना कीवर्ड लिखें, जैसे आपने मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाह रहा हूँ, या कंट्रोल में या रोबोटिक्स में, वो आप ऊपर लिख के कीवर्ड लिख के सर्च आउट करें, तो उसके नीचे फिर सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, कहाँ पे है, कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं वहाँ पे, मेजर सब्जेक्ट क्या है, वो सारी लिस्ट शो हो जाती है, तो ठीक है। वहां पे आप फिल्टर लगा के चेक भी कर सकते हैं आपने जर्मन लैंग्वेज में करना है या इंग्लिश में करना है, तो वो सारा फिल्टर लगा के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने भी यहीं से यूनिवर्सिटी अपनी फाइंड आउट की थी, तो वहां पे बकायदा यूनिवर्सिटी का पोर्टल का लिंक भी दिया होता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अप्लाई करना है कि आपने यूनिवर्सिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है, तो एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, तो यूनिवर्सिटी की फीस है या नहीं है, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस कितनी है, फिर उसमें कोर्स करिकुलम का भी थोड़ा सा बताया होता है, और साथ यूनिवर्सिटी का लिंक भी होता है कि आप अपना कोर्स चेक कर सकते हैं कि भी फर्दर कौन कौन से आप सब्जेक्ट स्टडी करेंगे, तो इनिशियल स्टेप यही होता है। तो आप जैसा मेरी यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई किया था, सिंपली जैसे हम पाकिस्तान में करते हैं या नस्ट में या यूटी लाहौर के जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अपना डाटा फिल आउट करते हैं कि भाई मैंने बैचलर यहाँ से किया है और इंटरमीडिएट यहाँ से है, एफए में इतने मार्क्स हैं, मैट्रिक में इतने मार्क्स हैं, अपना पासपोर्ट नंबर और सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन वो आप देते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि आपने अपने बैचलर जो है वो HEC से आपने वेरीफाई करवाने हैं, उसकी स्टैंप लगी होनी चाहिए, और आपने सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स उनके पोर्टल पे अपलोड करने होते हैं। सही। तो एक चीज, मेन चीज जो होती है LOM, लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये आपकी एप्लीकेशन पे बड़ा डिपेंड कर रहा होता है कि आपने, आप ये कोर्स क्यों चूज कर रहे हैं, आपके जो पास्ट में एजुकेशन क्या थी, आप फर्दर एजुकेशन क्या क्या होगी, तो आप नेक्स्ट के कंट्रीब्यूशन क्या होगी आपकी इस कोर्स करने के बाद, तो मेन चीज आपका LOM होता है, तो ये चीजें होती हैं सारी। आप यूनिवर्सिटी को डेडलाइन से पहले
सारे अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देते हैं, तो वो आप कुछ से 2 से 3 वीक्स लेती है, तो आपको शॉर्ट लिस्ट करके आपको ईमेल कर देती है कि आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए कि नहीं हो। तो जब आप एलिजिबल हो जाते हो, एडमिशन लेटर आपको ऑफर आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो देन आपका नेक्स्ट वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप एम्बेसी में अप्लाई करें, फिर आगे फर्दर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स है। हाँ, अच्छा, इसके अंदर एम्बेसी का फिर इंटरव्यू भी होता है इसमें? इंटरव्यू भी होता है, एम्बेसी अपने तरीके से इंटरव्यू लेती है वो यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन आपको फिजिकली होती है कि इस्लामाबाद वो फिजिकली बुलाती है? जाना पड़ता है, आपको फिजिकली जाना इस्लामाबाद, पड़ता है इस्लामाबाद। जो पंजाब और केपीके के स्टूडेंट है ये सारे इस्लामाबाद में अप्लाई करते हैं, जो कराची और उसके बलूचिस्तान के वो कराची एम्बेसी से करते हैं। तो इस्लामाबाद क्या पूछते हैं वो? वो यही पूछते हैं कि बेसिकली नाम पूछते हैं, नेम तो बाज बार पूछ लेते हैं, बाज बार नहीं पूछते हो। फिर वो पूछते हैं कि व्हाई आर यू गोइंग टू जर्मनी, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, और कन्वर्सेशन वो इंग्लिश में कर रहे होते हैं? इंग्लिश में। वो कभी कभी उर्दू में भी कर लेते हैं, उनका जब जो मूड करे। वो जो वीजा ऑफिसर होता है वो मोस्टली पाकिस्तानी होते हैं, कभी जर्मन भी बैठा होता है, मोस्टली पाकिस्तानी होते हैं। वहां पे 3 विंडोज होती हैं, 2 विंडोज तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए, और 1 विंडोज जो है वो जो बिजनेस के लिए या जॉब्स के लिए जा रहे होते हैं डायरेक्ट। तो कभी उर्दू में पूछ रहे होते हैं, कभी इंग्लिश में पूछ रहे होते हैं। अगर वो इंग्लिश में पूछे आपने इंग्लिश में जवाब देना, अगर वो उर्दू पूछ कर भी रहे हो तो आप इंग्लिश में बात करें। तो अच्छा, इसके अंदर हमारे पास इधर ये है कि अच्छे अच्छे लोगों को इधर इंग्लिश बोलनी नहीं आती, इंग्लिश वीक होती है। बिल्कुल अब अगर वो इंटरव्यू देने गया जी। और उससे इंग्लिश में बात नहीं हो सकी, तो इस बेस पे उसको रिजेक्ट कर सकते हैं वो? मैं अपना सिनेरियो बताता हूँ। मैं बात करते करते ना, मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं ऐसे झूठ बोलूं तो मैं बात करते करते ना रुक गया। तो मैंने उर्दू में थोड़ी सी बात की, तो वो जो वीजा ऑफिसर था वो सुन रहा था बिल्कुल। तो एक और गाइस है वीजा ऑफिसर, तो वो कहता है आर्ट्स दिया आपने? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं दिया, मेरे पास यूनिवर्सिटी से इंग्लिश एग्जेम्पशन लेटर है। तो कहते आप आर्ट्स दें, तो मैंने कहा मेरे पास, मैंने बैचलर मेरा इंग्लिश में है, यूनिवर्सिटी को जो अभी करंट यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ उसको रिक्वायर्ड नहीं है। तो हालांकि एम्बेसी की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ था कि आप अगर यूनिवर्सिटी को आर्ट्स नहीं चाहिए तो हमें भी नहीं चाहिए। तो वो मैंने जो बाद में सुना था कि ये बंदा वैसे स्टूडेंट को तंग करता है, तो मैं फिर उसने मेरा मिसिंग डॉक्यूमेंट में ना लिख दिया कि आपका आर्ट्स अभी मिसिंग है और ब्लॉक अकाउंट मेरी मिसिंग थी, तो आप ही हमें सेंड करना, आपके पास ना जल्द से जल्द सेंड करें आप, 2 वीक्स आपके पास। तो मैं घर आ गया, मैंने आके घर में ईमेल दोबारा ना मिसिंग डॉक्यूमेंट में ना वही एक्सेप्शन लेटर और जो यूनिवर्सिटी से लिया हुआ था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वो मैंने अटैच करके उनको ईमेल कर दी मिसिंग डॉक्यूमेंट में, तो मेरा वीजा आ गया। सही। तो यानी कि अगर आप कंफ्यूज हो भी जाते हैं तो घबराने की बात नहीं है, वीजा लग जाता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी को नहीं चाहिए तो जो वीजा ऑफिसर है कुछ तंग करते हैं, वो ऐसे बस क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है, उसने अगर ऑफर लेटर भेज दिया है, तो हाँ एम्बेसी अंदर जो ऑफिसर है वो इतना मैटर नहीं करता? नहीं करता वो, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं ना तो कोई मसला नहीं है। अभी तो इन्होंने आर्ट्स की वो जो शर्त है वो अपनी वेबसाइट से भी खत्म कर दी है, कि आर्ट्स से पहले लास्ट टाइम लास्ट ईयर में मेंशन था कि आर्ट्स 6 बैंड होना चाहिए या टॉपल इतना होना चाहिए, तो अभी वो उन्होंने वो लाइन खत्म कर दी है। अच्छा, इसके अंदर हमारे व्यूवर्स को एक और चीज जरा बताएंगे, अगर किसी ने लैंग्वेज कोर्स करना हो जी कि उसने बैचलर्स नहीं करना या मास्टर्स नहीं करना, वो और किस कोर्स करने आता है, तो इसके अंदर क्या एडमिशन हो जाता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यहाँ पे ना जैसे हमारे पाकिस्तान में डिप्लोमा करवाते हैं DAE के, पाकिस्तान में जैसे कहते हैं इसकी बर्थ ही नहीं है, तो यहाँ पे भी यही सिनेरियो है कि यहाँ पे अगर आपकी ए लेवल किया हुआ आपने या आपकी 13 साल एजुकेशन है, तो यहाँ पे आपने टेक्निकली एजुकेशन लेनी है, तो आप एटलीस्ट B1 आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए जर्मन लैंग्वेज का। तो आप जर्मन ठीक लैंग्वेज है। B1 आप सीख लेते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस कंपनीज हैं और इंस्टीट्यूट हैं वो जो आपको हाउस बिल्डिंग के नाम से कोर्स करवाती हैं, IT से रिलेटेड है आपके, मैकेनिकल है इलेक्ट्रिकल है। तो अगर आपके पास B1 सर्टिफिकेट है आप अप्लाई करें,
इवन कि आपको मंथली स्टेपेंड भी देती है 1100 यूरो समथिंग, 900 से स्टार्ट होती है, 1200-1300 पर मंथ जाती है। इसमें ये होता है कि ना तो आपको ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट चाहिए होती है, तो बकायदा आपको एक मंथली इनकम भी आती है। अच्छा, हमारे इधर एक और चीज जरा बताएं कि हमारे जो इधर डीएई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जी लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर कोटा होता है, एक या दो जी सीट्स होती हैं। जी अब जी अगर कोई बच्चा इधर डीएई करता है तो जी वो बैचलर्स के लिए डायरेक्ट जर्मनी में अप्लाई वो कर सकता है। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 13 साल एजुकेशन है उसकी, तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए जर्मन रिक्वायर्ड होगी उसको, अगर जर्मन रिक्वायर्ड हो। रिक्वायर्ड होगी। अगर वो आना भी चाह रहा है इंग्लिश मीडियम कोर्स पे, तो वो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे उससे हटके, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपसे। अगर अपनी फील्ड में आना चाह रहा है, जैसे इलेक्ट्रिकल के उसने डिप्लोमा किया, इलेक्ट्रिकल में आना, तो वो मोस्टली जहाँ पे बैचलर इंग्लिश मीडियम है, सॉरी जर्मन मीडियम है, तो वो एटलीस्ट B1 होना चाहिए उसके पास। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब अगर इधर कोई B1 अगर पास कर लेता है, इसका क्या टेस्ट होता है इधर पोस्ट करने के बाद? जैसे आइट्स का टेस्ट होता है, ऐसे ये गेते इंस्टीट्यूट है, ये टेस्ट लेता है, तो ये अच्छा, तैयारी भी जो आती है, फॉर्म इसका टेस्ट भी होता है। क्लियर है। ये लाहौर के अंदर है, ये शाहरे फैसल रोड जो आपके इधर रीगल चौक से थोड़ा सा आगे ही है इनका इंस्टीट्यूट, वहां पे टेस्ट होता है इनका। तो ये भी बताएं कि आप अगर किसी ने जर्मन लैंग्वेज अगर सीखनी हो तो उसको किस गेते इंस्टीट्यूट की सीखनी चाहिए पाकिस्तान में जो बेहतर हो, क्योंकि गेते आप बेस्ट है। इस वजह से पूछ रहा हूं क्योंकि आप इस सारे प्रोसेस से आप गुजरे हैं, आप जी बेहतर गाइड कर सकते जी हैं। गेते इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो आपका एक तो कोर्स करिकुलम के मुताबिक तैयारी करवाते हैं। जैसे हमारे आर्ट्स में सेक्शन होते हैं ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग, सेम ऐसे ही होता है, तो वो गेते इंस्टीट्यूट आपको अच्छा पढ़ाता है। या फिर आपकी नवल यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, तो वो अच्छा आपको तैयारी करवाएगी, वो सिर्फ आपको तैयारी करवाएगी, टेस्ट आपने खुद ही कंडक्ट करना होता है। सही सही। इस कोर्स की जो फीस है ये कितनी होती है लैंग्वेज की, और ये किसका टाइम ड्यूरेशन कितना कोर्स का? कोर्स में ये है कि डिफरेंट इंस्ट्रक्टर है, वो खुद, किसी ने 15,000 रखी है, किसी ने 20,000, 30,000, वो सब ने अपने अपने क्राइटेरिया डिफरेंट रखा हुआ है। तो जैसे आइट्स आप घर बैठे खुद तैयारी करके कंडक्ट कर सकते हैं, आप फीस भरें ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर जाके, ऐसे ही इसका सिनेरियो है, आप तैयारी जहां से मर्जी करें, आपने टेस्ट देना है। लेकिन मेरा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का खुद तो आप कर सकते हैं, मतलब जी आप घर में बैठ के आप तैयारी कर लें, लेकिन जी क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हम रोजमर्रा जिंदगी में थोड़ी बहुत बोल भी रहे होते हैं, थोड़ी बहुत बिल्कुल सुन जी भी रहे होते हैं, लेकिन जर्मन लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि हम घर में बैठ के इसकी तैयारी कर सकते हैं नहीं, बगैर। ये बकायदा है, ये क्लास ज्वाइन करनी चाहिए बंदे को, क्लास के बगैर, जैसे कि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, तो वो कभी रेगुलरली नहीं सीख पा रहा है। अगर क्लास ज्वाइनिंग करूँ इंस्टीट्यूट, तो वो रेगुलर बंदा सीखता है, तो जल्दी ग्रोथ करता है वो। अच्छा, आप जिस तरह आप उधर जर्मन लैंग्वेज अब सीख रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आपकी इंग्लिश इतनी पक्की नहीं होगी, वो कच्ची रह जाएगी? और यहाँ पे मुहावरा है कि अगर आपने जर्मन सीखनी है, तो इंग्लिश को ठुड्डा मारना पड़ेगा, तो वो काफी ऐसी अच्छा, चीजें हैं। मेरे साथ एक सही। लड़का इधर रहता है मेरे, जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो उसको इंग्लिश सारी भूल गई है, वो बार बार मुझे पूछ रहा होता है यार इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वो ना होता है ऐसा। मतलब बिल्कुल अगर आप जर्मनी के अंदर रह रहे हैं, आपने किसी और कंट्री में आपने मूव करना है जहां पे इंग्लिश बोली जाती है, जैसे यूके है, जी, ठीक है, तो आपको फिर जीरो से आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। नहीं वो बात, अब अगर बंदा डेली कम्युनिकेट करता रहे, तो वो वोकैबुलरी रहती है आपके पास, अगर आप कट ऑफ हो जाओगे तो नहीं रहेगी। जैसे ये हम ए को इंग्लिश में ए पढ़ते हैं, ये आ पढ़ते हैं, जैसे जर्मन और उर्दू के ना जो अल्फाबेट्स में मिलते जुलते हैं, आ बे से डे, इस तरह करके ना, ये लफ्ज इंग्लिश से काफी इनको साउंड डिफरेंट। हमारी ए को अलग आ पढ़ते हैं, बी को बे पढ़ते हैं, सी को से पढ़ते हैं, डी को डे, ई को ए पढ़ेंगे, यू एफ को एफ ई पढ़ेंगे, तो इस तरह करके ना जो साउंड डिफरेंट हो जाता है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपने कन्वर्सेशन के स्टार्ट में जो वेबसाइट बताई थी, जी, पूरी उसके अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज की डिटेल होती हैं। पूरी यूनिवर्सिटी जर्मनी में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, पब्लिक और प्राइवेट, सारी उसके अंदर है। तो इसके एडमिशन ओपन कब होते हैं? आपने सर्च आउट करना है तो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट कोर्स आ रहा है, तो हर कोर्स की डिफरेंट डेडलाइन होती है। कोई विंटर में स्टार्ट हो रहा है, कोई समर में हो रहा है, तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखना पड़ेगा जाके। जैसे मेरा मेरा जो कोर्स है ये विंटर में स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ कोर्स है वो सॉरी मेरा समर में स्टार्ट हो रहा है, कुछ का विंटर में हो रहा है। तो ये आपको कोर्स चेक करना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटी वो विंटर में स्टार्ट करवा रही है या समर में करवा रही है। सही सही सही। तो अच्छा, हमारे इधर क्या होता है कि बहुत सारे लोग एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, जी और एजेंट बहुत बहुत भारी पैसे उनसे लेते हैं। तो मतलब आपने मुकम्मल तौर के ऊपर आपने खुद अप्लाई किया, खुद सारा प्रोसेस किया, जी जिस तरह आप अलहमदुल्ला, ऐसे बाकी भी कर सकते हैं। हाँ अलहमदुल्ला, मैंने खुद डॉट ई की वेबसाइट से यूनिवर्सिटी अपना कोर्स सर्च आउट किया, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ने मुझे लिंक भेजा, एडमिशन लेटर भेजा, उसके बाद मैंने एक्सेप्ट किया, अपने साइन करके उनको ईमेल किया, फिर उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा कि आप फीस जमा करवाएं। वो 350 यूरो थी उनके, वो मैंने बैंक अकाउंट में जमा करवा दी। डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उनको? मैंने प्रिंट आउट लेके ऊपर हार्ड में साइन किए, फिर स्कैन करके उनको रिटर्न भेजे थे। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ही आपने अपलोड करना होता सारा कुछ। पोर्टल पे ही अपलोड करना है। जी अच्छा, जो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे थे वो कौन कौन से थे? जो एप्लीकेशन के दौरान थे, अब मेरा बैचलर था, ट्रांसलेट डिग्री, उसके बाद मेरा डिप्लोमा, मैंने डीए किया हुआ है। मैं अगर कोई डीए वाला बंदा सुन रहा है तो उसके लिए ये मैसेज है कि लोग कहते हैं कि भी डिप्लोमा किसी काम का नहीं है, तो देख ले अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जर्मनी में बैठा हूँ डिप्लोमा करके। तो अगर आपने डिप्लोमा अच्छे मायनों में किया हुआ तो आप आगे भी जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वह यूटी लाहौर है, टेक्सला है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूटी टेक्सला भी पढ़ रहे हैं डिप्लोमा करके, मेरा एक दोस्त है वो रिसेंटली इसने किया हुआ है। तो उसके बाद मैट्रिक है, मैट्रिक की सनद है और उसकी मार्कशीट है, पासपोर्ट है और LOM था, और उसके बाद दो रिकमेंडेशन लेटर होते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन। ये क्या चीज़ है? ये मैंने बताया था अभी आपको भी, ये इसमें आपने बताना होता है कि भी आप ये कोर्स क्यों चूज कर रहे हो। आपने बतानी है। जी, आपने अपना इंटरेस्ट बताना है और ये फर्दर आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी, ये यूनिवर्सिटी को आपने ये बताना होता है कि भाई मैं ये कोर्स क्यों चूज कर रहा हूँ। तो इस लेटर का भी फॉर्म होता है या आपने सिर्फ टाइप करके उनको दे देना है? टाइप करके देना होता है आपने। सही सही, किसी भी वर्ड के ऊपर आप टाइप करके बस आपने जी दे। जी अगर किसी को लिखने में मसला होता है वो चैट जीपीटी से भी लिखवा सकता है कि भाई मुझे इससे रिलेटेड LOM लिख दे, वो आपको अच्छा एक लिख के देगा, जी, उसमें आप आजकल एडिटिंग कर। जीपीटी का जमाना है, बिल्कुल आप उससे जी हेल्प ले सकते बिल्कुल ले हैं। सकते, बिल्कुल चैट ले सकते जीपीटी हैं। तो आजकल ये है कि आप उसे किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर आप पूछ ले तो निकाल के दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी कवर लेटर सेंड करना था कि कंपनीज को, तो वो कोई कह रहा है ऐसे लिखो, कोई कह रहा है ऐसे लिखो, मैंने कहा चैट जीपीटी से लिखवाते हैं, तो वो उसने मुझे एक अच्छा राइट लिख के दिया। मैं यार ये बेहतरीन हो गया, अब मैं किसके पांव पकड़ूं या किसको रिक्वेस्ट करूं, तो बेहतर आप चैट जीपीटी यूज करें, साइन अप करें वहां पे जाके। बिल्कुल पहले दिन ही बंदा चैट जीपीटी का पांव पकड़ बिल्कुल सही ले। कह रहे। अब आजकल तो यही एक दौर है, यही दौर चल रहा है बिल्कुल। तो ये सारे सही। डॉक्यूमेंट मैंने सेंड किए और दो रिकमेंडेशन लेटर थे ये मैंने सेंड किए। ये आपने बैचलर जहां से किया तो वहां किसी भी दो प्रोफेसर से जिसने आपको पढ़ाया होता बेहतर उसी से लिखवाए, तो वो आपने उसका सॉफ्ट कॉपी लेके तो आपने ये सेंड करने हैं। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां पे डीन वगैरह देखते हैं आपके, शॉर्टलिस्ट होकर आपको मेल कर देते हैं भी आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर एडमिशन लेटर आता आपको, वो आपने वो प्रिंट आउट करके साइन करके उनको दोबारा वापस सेंड करने होते हैं ईमेल पे ही, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ही। तो देन फिर उसके बाद आपको कॉन्ग्रेचुलेशन की ईमेल आती है भी आप इनरोलमेंट के लिए अपनी फीस जमा करवाएं, अपना जो सीट है वो रिजर्व करवाएं, तो इनरोलमेंट लाजमी होती है।
थी आपकी, वो सॉरी, फीस आपकी कितनी थी एनरोलमेंट की? 350 यूरो वो पर सेमेस्टर की होती अच्छा, है, 350। वो आपने बैंक में जमा करवाई थी? मैंने एक एप्लीकेशन है वाइज, जैसे मनी एक्सचेंजर नहीं है, जैसे टैप टैप है, मैं यहाँ पे जर्मनी में यूज होते हैं, वेस्टर्न यूनियन है, वहां पे अकाउंट बना के यूनिवर्सिटी में अपना बैंक डिटेल, आईबीएन नंबर और सारा वो दे दिया था, तो वो वहां पे मैंने ट्रांसफर कर दिए। 2-3 दिन बाद मुझे ईमेल आ गई कि आपकी फीस हमें मिल गई है, तो उसके बाद वो उन्होंने मुझे, वो तो डच बैंक के नाम से है हाँ, ना? डॉइचे बैंक के नाम से है। सही सही सही। तो उधर आपने फीस जमा करवाई? मैंने उधर फीस जमा करवाई, तो वो फिर मुझे उन्होंने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई मैं अभी इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो वो जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है, ये वो आपने एम्बेसी को दिखाना होता है कि भाई मुझे एडमिशन मिल गया, अब मुझे वीजा इशू करें। अब वीजा की एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहते हैं जी आप एप्लीकेशन फॉर्म ये एम्बेसी की वेबसाइट पे है उसको फिल आउट करो, फिर उसके बाद पासपोर्ट है आपका, आईडी कार्ड की कॉपी है, और फिर उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगता है लास्ट 6 मंथ की, फिर जो मेन पार्ट होता है आपका ब्लॉक अकाउंट होता है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है जर्मनी में तो आप स्पॉन्सरशिप लेटर लगाएं, अगर नहीं है तो आप ब्लॉक अकाउंट है वो 11,208 यूरो यहाँ जर्मन बैंक अकाउंट में जमा करवाएं। क्रैक के लिए एंटीबायो एक्सपायरिटी है तो यहाँ पे जमा करवा के वो जो उसकी कंफर्मेशन ईमेल होती है वो साथ अटैच करनी होती है, देन वो सही आपसे आपसे एम्बेसी वाले 1 महीने का टाइम लेते हैं, वो सारा प्रोसेस आपकी एप्लीकेशन चेक करते हैं कि कोई 2 नंबर तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है, वो सारी चीजें चेक करती हैं। फिर आपका जो एडमिशन लेटर होता है वो यहाँ की जो ब्रेमन की स्टेट होती है ना, यहाँ पे इनका ऑफिस है, वहाँ यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट्स भी, ये चेक करेंगे बंदा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन है कि नहीं है इसका, वो प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे यहाँ से ग्रीन सिग्नल जाता है वो आपको वीजा लगा लगा के आपके पासपोर्ट घर भेज देते हैं। तो ये जो वीजा लगता है, ये मल्टीपल एंट्री वीजा होता है? मल्टीपल एंट्रीज होती है, आप जब मर्जी आए जाए कोई मसला नहीं, मैं भी पूरे साल में जितना मर्जी आ जाऊं कोई मसला नहीं इसमें। अच्छा, तो इस 2 साल डिग्री की टोटल कॉस्ट कितनी बनती है? जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस देखी जाए तो तकरीबन 1400 यूरो बनती है, 1400 यूरो? 1400 यूरो आपने 2 साल में पे करना, तो आई थिंक ये अगर आप किसी इंग्लिश कंट्री में देखें, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो ये उसके अमेरिका के मुकाबले में तो एक सेमेस्टर की भी बहुत कम फीस है, वहां पे तो एक सेमेस्टर की 5-6 हजार डॉलर है, इससे भी ज्यादा है। अच्छा, हाँ, एक सेमेस्टर की 5-6 हजार डॉलर है एक सेमेस्टर की, तो सही ये तो सही सही। 1400 यूरो, तो ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो तो अगर डिग्री करनी हो तो तकरीबन 1 करोड़ रुपया लग जाए उधर? अच्छी खासी अमाउंट लगती है। अच्छी खासी एजेंट जो है वो बच्चों को बस घेर लेते हैं, उनका कमीशन चल रहा होता है जिस यूनिवर्सिटी में भी करवा रहे थे। क्योंकि ये जितनी फर्स्ट वर्ल्ड है ना, ये हमेशा चीज बेचती है थर्ड वर्ल्ड को। ऐसे ही ये है, मैंने देखा है ये, कि जो फॉरनर्स का बकायदा जो कोटा रखा गया होता है, उसी कोटे के ऊपर, उसी अमाउंट के ऊपर तो अपनी ये पब्लिक यूनिवर्सिटीयां चला रहे होती हैं। सही है। लेकिन जर्मनी में अभी तक एजुकेशन फ्री है, तो नेक्स्ट का पता नहीं है, तो 2-4 साल बाद शायद इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे, क्योंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रहे हैं इनके, महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे टीयूएम, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख ने भी फीस लगाना शुरू कर दी है, कुछ स्टेट में, कुछ यूनिवर्सिटी में 1500-2000 यूरो पर सेमेस्टर लगाना शुरू कर दी है, तो ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है। जर्मनी तो वैसे भी बड़ा जंगजू किस्म का ये मुल्क रहा हुआ है हिस्ट्री में। जी इसने जो वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी हुई है, 2 लड़ी हुई है, रशिया से इसने 2 दफा मार भी खाई हुई है। हिस्ट्री सबके सामने है, ये कौन सा लुका छुपी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके अलावा मतलब अगर टोटल अगर आप, अच्छा, इसके अंदर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर कोई पैसे भी कोई रखवाने पड़ते हैं? नहीं, आपने जो ब्लॉक अकाउंट है ना वो आपने यहाँ पे ऑनलाइन बैंक ओपन करना है, ब्लॉक उसमें आपने 11,200 जमा करवाने हैं, वो आपकी ब्लॉक हो गए यहाँ पे, तो ये जो कंफर्मेशन ईमेल देंगे कि भाई हमारे पास आ गया, आपने एम्बेसी को शो करवाने हैं, वो ईमेल देनी है प्रिंट आउट लेके, तो
वो चेक करेंगे कि आपके ब्लॉक अकाउंट में पैसे पड़े हैं कि नहीं पड़े। वो बेसिकली ये होता ही है कि यहाँ पे आपके लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं कि आप यहाँ पे आके अपना खर्चा वगैरह खुद उठाएंगे। तो वो उसमें फिर आप जब जर्मनी आ जाते हैं तो वो फिर आपको हर महीने 934 यूरो है वो वापस आना शुरू हो जाते हैं नौ सौ आपको चौबीस रिटर्न। हाँ वो 12 इंस्टॉलमेंट पे आपको रिटर्न होते रहते हैं। सही 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 ठीक तो है। इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक। अगर आप पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम आप 120 डेज कर सकते हैं। अभी सुना इस साल इन्होंने इंक्रीज किए हैं, 143 किए हैं, 20 22 23 दिन ना बढ़ाए इन्होंने। तो ये प्लस पॉइंट है कि आप जो आपकी जो ब्लॉक अकाउंट है वो सेव रहती है अगर आप पार्ट टाइम साथ जॉब करते हैं। सही। तो इस वीजा के ऊपर जो कैटेगरी आपके वीजा की है, इसमें पूरे जर्मनी में आप ट्रेवल कर सकते नहीं, हैं। मैं पूरे यूरोप में जा सकता हूँ, 25 कंट्रीज में जा सकता हूँ अच्छा, पूरे ट्वेंटी यूरोप। फाइव में आप जा सकते हैं। शेंजन हाँ, ये एक हिसाब का शेंजन वीजा होता है हमारा। हाँ, वीजा होता है, ठीक। शेंजन वीजा होता है। सॉरी, शेंजन जी ये जो 25 कंट्रीज हैं, ये आप जो अगर आपने किसी नेबर कंट्री में जाना जी हो तो ये आप टिकट वाया करवाऊंगा ट्रेन भी जा सकते हैं। वाया आप ट्रेन जाएं, वाया बस जाएं, या वाया आप बाय प्लेन जाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने टिकट करवानी है, आपने ट्रेवल करना है। जी अच्छा, शेंजन मैं वीजा। जी ये नॉर्वे जा सकता हूँ, नीदरलैंड जा सकता हूँ, स्विट्जरलैंड जा सकता हूँ। तो जा सकता हूँ 26 या 25 कंट्रीज में, कोई मुझे सही वीजा सही। देने की जरूरत नहीं है। जी ठीक ठीक चले एहसान साहब, हम आपको टाइम टू टाइम आपको जहमत देते रहेंगे। जी जी जर्मनी के क्या हालात हैं, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। हाँ हो गए सर, आप जब चलिए, कहेंगे हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत जी जी शुक्रिया आपका। ओके थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।